हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, उसका कारण मैं अभी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। अब 11:30 बज चुके हैं कल रात, और अभी पूरे टाइम हम ये सब पैकिंग में लगे हुए हैं। जो भी चीज़ है हमारे किचन, और ये सारे किचन के चीज़ें मैंने यहाँ पे आके रख दिया है। जो भी मैंने पैक किया है वो तो अलग से है, जो हम लोग ने पैक किया है, और ये जो पैकर्स मूवर्स आएंगे उन लोग ये सब पैक करेंगे, तो मैंने रख दिया है ये सारे बर्तन को क्लीन करके। ये मैं थोड़ा सा इसको खोल दूं तो आप लोग देख पाओगे। यहाँ पे सारे बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिए हैं, यहाँ पे भी है। तो ये जो ग्लास की बोतल है ये हम रिक्स नहीं लेने वाले हैं, तो पैकर्स मूवर्स ये खुद करेंगे। और बहुत सारी यहाँ भी है, और ये हमने खुद पैक किया है हम दोनों ने, ये सभी जो चीज़ आप देख पा रहे हो। तो ये सब आज जाने वाला है, और उसके साथ ही जाने वाला है ये जो छोटा मोटा मेरा डेकोरेशन था वो, और मेरा जो ठाकुर का भगवान के लिए जो मंच था, जो जगह था, मैंने सब ऐसे खोल दिए है और ये पैक होके जा रहा है। बार पे यहाँ पे जो भी था वो मैंने जो मुराल पेंटिंग्स और वगैरह जो भी बनाया मैं एक साथ यहाँ पे डाल दूंगी, इसके अंदर, इसके नीचे मैं डाल दूंगी। लिविंग रूम के सारे आर्ट पीसेस भी मैं पैक कर लिया है मैंने, क्योंकि कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ सकते हो पहले की तरह, आपको लौटाना है, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे सभी बर्तनों को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है, जो जो अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था उसे मैं बहुत ही डिलीजेंटली 2 से 3 बार क्लीन करके उन लोगों के पैकिंग के लिए रख दिया था। मैंने कुछ वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह और मसाले रख दिए थे खुद के लिए, क्योंकि 3-4 दिन मुझे यहाँ पे कुकिंग करना है, और दूसरे जो हमारे घर है शिकागो के, वहाँ पे जाके भी कुकिंग करना है। इसलिए हमारे पैक किए गए जो बॉक्स था वो उन लोगों ने वो पहले ले लिया। अभी जो सामान मैंने रख दिया था, जैसे कि ग्लास की सामान हो या क्रॉकरीज हो या कुछ भी, वो उन लोगों ने ऐसे पैक करके उन लोगों के बॉक्सेस में रख दिए हैं। तो जो भी कचरा हुआ है या क्लीनिंग के बाद अपार्टमेंट का जो भी कुछ हुआ है मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इन ऐसे ही बहुत सारे प्लास्टिक बैग होंगे इसके बाद भी। थोड़ा थोड़ा करके खाना, जैसे कि चावल, दाल और नमक वगैरह, मैंने थोड़ा थोड़ा छोटा जो प्लास्टिक बॉटल्स है उसमें रख दिए थे, ये मैं हर बार करती हूँ। और बाकी के सारे जो सामान है हमारा वो इस ट्रक में भर के शिकागो में जा रहा है। आज बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप देख पा रहे हो एक एक करके वो लोग सामान ट्रक में लोडिंग कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी 1-2 क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने का। अपार्टमेंट को डीप क्लीन करके हमें देना होता है, तो बहुत सारे काम अभी भी बाकी है, क्लीनिंग वगैरह। इसको ऐसे पैक कर लिया है क्योंकि पानी गिर सकता है ना, एक साथ बहुत सारी चीज जा रहा है। अब थोड़ी ही चीज बाकी है, ये जाएगा और ये सिर्फ। अभी आखिर में टीवी और सोफा और जो बक्से हैं हमारा वही लोड होगा। कुछ कुछ सामान हम फेंक देंगे, तो वो हम उन लोगों को नहीं दिया है, जैसे कि मैंने एक DIY बॉक्स बनाया था वो, और एक टेबल था हमारा लैक आइकिया का, वो भी वाइट कलर का। ऐसा कुछ कुछ सामान हम खुद के लिए भी रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों दिन हमें खाना खाना है, तो वो टेबल हमने रख दिया था, 2 चेयर हमने रख दिया है, और उसके साथ ही हम कंफर्टर सेट भी रख दिया था क्योंकि हमें सोना भी है। बहुत ही अच्छे से वो लोग सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, और ये जो लैडर है जिसके ऊपर से उन लोगों ने चढ़ के ये सारे के सारे चीज़ लोड किया है ट्रक में, वो देखिए कितने अच्छे से वो लोग उसको प्लेस कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए।